नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक पुरुषों का मुख्य मेल सेक्स हार्मोन होता है, उसकी अगर कमी हो जाती है, जिसके कारण कि आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, या आपको अंदर प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की शिकायत हो जाती है, या हो सकता है आपके अंदर सीमन में आपको स्पर्म की जो काउंट होती है वो काउंट काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण आप संतानहीनता से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी के अंदर एक चमत्कारी एक दवा उपलब्ध है, जिसका के नाम होता है टेस्टिस सिकाटी 3X, जो कि डॉक्टर रेगवेक, जो कि एक जर्मन कंपनी, उसका एक प्रोडक्ट है। आज मैं आपको इसी के बारे में आप जानकारी दूंगा, जो कि दोस्तों आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको बढ़ाने के लिए एक चमत्कार की तरह काम करता है। दोस्तों, यूजुअली जो 13 से 14 साल की जो उम्र होती है लड़कों की, उसके दौरान उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और यह 20 साल तक की जो एज होती है वहाँ तक पहुँचते या पीक पर होता है। दोस्तों, जब ये 13-14 साल के आसपास जो एज होती है उसके अंदर जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है, तो उसके साथ साथ लड़कों के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस के द्वारा उनमें कुछ शरीर में बदलाव आना शुरू होते हैं, जैसे उनको चेहरे पे बाल आना शुरू होते हैं, दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाते हैं, उनकी आवाज़ में भारीपन आना शुरू हो जाता है, उनकी जो मसल्स होती है मसल्स डेवलप होती है, उनकी हड्डियाँ मजबूत बनती है, और उसके साथ साथ उनके अंदर जो सेक्स के जो डिज़ायर होती है वो डिज़ायर उपलब्ध आना शुरू होती है, और उसके साथ साथ उनके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स का डेवलप होता है, यानी उनके पेनिस का, उनके टेस्ट जो टेस्टिस होता है उसका आकार बढ़ना शुरू होता है, और उनके अंदर उसमें सेक्स की डिज़ायर और उसके साथ साथ उनमें इरेक्शन जो होता है वो भी उसका डेवलप होना शुरू होता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ ही जब वो युवा अवस्था में जाते हैं, यानी जब उनकी एज होती है 25-26 साल के आसपास या 25-30 साल के आसपास की जब एज आती है, उसके दौरान भी उनके अंदर इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए और उसके साथ साथ उनकी जो डिज़ायर होती है उसको डिज़ायर को भी मेंटेन करने के लिए और उसके साथ साथ जो उनका सीमन होता है सीमन के वॉल्यूम के लिए, सीमन के अंदर स्पर्म के काउंट के और मोटिलिटी के लिए भी उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक लेवल मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जब इन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता और प्रीमैच्योर इजेकुलेशन शीघ्र पतन की शिकायत आना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ उनमें हो सकता है इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो जाए, और वो आगे जाकर उनका वैवाहिक जीवन जो होता है वो कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर ये इस तरह के सिम्टम आते हैं तो आज मैं आपको जो दवा बताने जा रहा हूँ वो अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह दोस्तों, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की आपके शरीर में कमी रहती है और इसके वजह से आपके बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस या जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है उसको दूर करने के लिए टेस्टिस सिकाटी जो होती है वो एक मैजिक की तरह काम करती है। मैं कहूँगा ये इसकी एक स्पेसिफिक दवा है। दोस्तों, जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो होता है 270 से लेकर 1070 नैनोग्राम पर डेसीलीटर का, जो इसका एक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, जो कि आपकी जो एक वयस्क होते हैं एडल्ट उनके अंदर पुरुषों में यह एक नॉर्मल ये लेवल होना जरूरी होता है। दोस्तों, इसमें अगर इसकी कमी आ जाए तो यह कुछ कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको बताए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजेकुलेशन या इस तरह से जो स्पर्म की जो डेफिशिएंसी या सीमन की जो कुछ प्रॉब्लम्स ये आना शुरू हो जाती है, और इन कमियों को दूर करने के लिए टेस्टिस सिकाटी काम में ली जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टेस्टिस सिकाटी को आखिर लेना किस तरह से। दोस्तों, इस तरह की अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है तो ऐसी कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन की जो डेफिशिएंसी होगी उसको दूर करने के लिए टेस्टिस सिकाटी को लेने का जो तरीका होता है वो होता है दो दो गोलियां दिन में 3 बार आपको डायरेक्ट टंग पर रहना होता है, यानी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम को, दिन में 3 बार इस तरह से आपको डायरेक्ट टंग पे आप उसको रखना होता है, और ये धीरे धीरे मुंह में अपना घुल जाती है। अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आप इसको 2-2 गोली दिन में 3 की जगह आप 4 बार भी ले सकते हैं, या आप 3-3 गोलियां दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, 3 गोली सुबह, दोपहर और शाम, इस तरह से भी आप उसको ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी MRP क्या है। दोस्तों, इसमें जो MRP है इसकी, यह जो डॉक्टर रेगवेक का टेस्टिस सिकाटी या 3X है, यह प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसकी जो MRP है वह दोस्तों जो मार्केट पैक अवेलेबल है, जो मेरे पास अवेलेबल है, उसकी MRP है 205 रुपये। दोस्तों, यह किसी भी अच्छी होम्योपैथिक स्टोर पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी या उसकी जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके अंदर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन या इस तरह की जो प्रॉब्लम है, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, या आपके अंदर सीमन में या वीर्य में अगर आपको स्पर्म के जो काउंट जो होता है वो अगर उसमें कमी आ रही है, तो इसमें टेस्टिस सिकाटी के साथ साथ कुछ और भी मेडिसिन होती है, जो कि आपकी जो सिचुएशन होती है, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसके हिसाब से, या प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से, या तो उसमें जो उसके साथ साथ और भी कुछ मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि विथानिया, डेमियाना, नुफुरलुटिया,
अश्वगंधा जो है, इस तरह से कुछ और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि इसमें दी जाती है, तो उसके और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं एक बार चिकित्सक की सलाह जरूर लें तो आपके लिए बेहतर रहता है। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी है जो कि टेस्टिस सीकाटी के बारे में मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।